एक ये चित्र है पुराना, बना तो नया है लेकिन इसमें ऐसा कुछ है। अरे वो भाई ये बताइए, पहली स्मृति क्या आपकी समुद्र मंथन के उस चित्र की जो उसमें मिलता था गीता पर? वो स्मृति तो वही है कि एक बड़ा सा पर्वत है और दोनों तरफ जो हैं मनुष्य जैसे ही दिखने वाले दो प्राणियों के दल जो हैं, वो एक अजगर को एक बड़े से सांप को जो है पकड़ के इधर से उधर खींच रहे हैं और बड़ी हलचल मची हुई है और भगवान शंकर की विषपान करने की इमेज सामने आती है। आपको पता था ये भगवान क्यों है? हाँ ये तो पता जो है जब से सबसे पहले हनुमान जी का पता चला था। एक्चुअली तो सच में बताएं सबसे पहले पता नहीं क्यों बच्चों को हनुमान जी से परिचय कराया जाता है और बच्चों को हनुमान जी बहुत फैसिनेटिंग भी लगते हैं, तो सबसे पहले हनुमान जी से फैसिनेशन भी हुआ क्योंकि उड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे बाकी देवता स्पष्ट हुए और फिर जो है समुद्र मंथन का पता चला कि ये कहानी है कि जिसमें ऐसा सहयोग और झगड़ा और उसमें अमृत की उत्पत्ति ये सब आई थी। अमृत क्या लगता था आपको? अमृत का चीज है बचपन में? अमृत लगता था कि कोई बहुत मीठी चीज़ है जिसको पी करके बहुत मज़ा आ जाता है इसको का के। और अमर होने वाली बात जो है वो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आती थी क्योंकि बचपन में कभी लगता ही नहीं था कि हम मर सकते हैं, अपने आप को कभी मरने की संभावना का कुछ पता नहीं था। मृत्यु ठीक ठीक दूसरों को कभी, वो भी बहुत बाद में देखी, तो मृत्यु का ही आइडिया नहीं था, तो अमर होने का भी कोई बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता था। यादव जी मिला आपको? अच्छा ये भागवत अमर चित्र कथा में है, इसमें जो है समुद्र मंथन की कहानियाँ होंगी। अमर चित्र कथा में देखते हैं, इसमें देखते हैं कहाँ पर है। धीरे धीरे किस क्रम में आपको ये कहानी समझ में आने लगी कि आपने ये अंत में इस पे एक नाटक रचा? क्रम क्या था? वही के आयु के हिसाब से आप जैसे जैसे बड़े होते? कहानी देखिए क्या है कि ये हमेशा कहानियों में एक रहस्य लगता रहा कि ये कुछ रहस्य की दुनिया है, कुछ चीजें समझ में आती हैं, कुछ चीजें रीजनेबल रैशनल हैं, कुछ चीजें इरेशनल हैं, वो समझ में नहीं आती थी। तो या दो रास्ते थे, या तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाए या फिर उसका जो उसके भीतर छिपा हुआ कोई ऐसा अर्थ है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है उसको समझने की कोशिश की जाए। उसको समझने के लिए वो कहानियाँ हमारे जहन में बार बार आती हैं और बार बार उनसे सामना होता है, लेकिन धीरे धीरे ही अचानक कोई कोई बात समझ में आती है कि अच्छा ये यूँ है, ये यूँ है, विष्णु ये ऐसे हैं और उनके बीच में फ़र्क ये है, तो धीरे धीरे ही पता चला। और बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो नहीं पता चली हैं, नहीं समझ में आती हैं, लेकिन उनका फैसिनेशन बना हुआ है। तो कहानियाँ का जो है मूल चीज़ है ये कल्पना कैसे आई होगी शुरू में समुद्र मंथन की? मूल क्या है मतलब कलेक्टिवली? मुझे तो लगता है कि ये जो है हम जो खाना खाते हैं और जो सारी एक्टिविटी करते हैं और पूरा जीवन जो जीते हैं उसका एक कुछ सार निकालते हैं। जैसे खाने का सार है ऊर्जा, कि खाना खा करके आपके अंदर एक आप मरने से बच जाते हैं, है ना। लेकिन खाना खाने में जो है वो आपको सब जो है जैसे कि समुद्र मंथन में वो कहते हैं कि औषधियाँ और घास फूस और तमाम तरह की जो है जितनी भी लताएं हैं वो सब डाल दो और फिर उसका मंथन करो। ऐसे ही हम पेट के अंदर मुख के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें डाल लेते हैं और फिर आते जो है उनका मंथन करती हैं, रगड़ाई होती है, वो जो है वासुकी नाक की रगड़ाई चल रही है और ये पेट के अंदर ही जो है ये आप चाहे वासु एक मेरुदंड जैसा है या मंदर पर्वत जो भी है, लेकिन क्योंकि बंदर पर्वत के बारे में ये है कि जब वो उखाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह स्थापित किया गया फिर वहीं वापस पुनः स्थापित कर दिया गया, तो सिर्फ समुद्र मंथन के लिए मंदिर वहाँ पर आया है। अब वो मंदिर क्या है ठीक ठीक मैं अभी भी नहीं समझता हूँ कि कछुआ
कछुआ तो आधार है बेसिकली, है ना, कि वो जो है अपनी पीठ पर एक एक पीठ पर सब कुछ, शरीर में कछुआ, शरीर में कछुआ मूलाधार में। एक एक लोग आइए, एक एक लोग पीछे ले बैठे रहिए।
बल्लो लाने तोड़ ले जब तक उतर को ना जाए नहीं प्लांबरधर विष्णु ऋषिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वदन ध्याये अच्छे समझाओ प्यार से एकदम।
अब लग रहा है तुम्हें पूरी कहानी बतानी पड़ेगी तभी तुम समझोगे। कहानी सुनाऊंगा पक्का। अरे ध्यान से सुनो तुम लोग, भैया अभी सुनो और आप भी सुनो, सबको सुनो। हमारी लकड़ी झुमकी आप लोग कहानी सुनाएगी। अरे बहुत अच्छा कहानी सुनाती है, चलो जल्दी से सुनाओ कहानी। प्राणी अपने पद से भटक जाता है। इंद्र भी भटका और अपना सारा राजपाट खो बैठा। असुर राजबली ने उसे और सभी देवताओं को परास्त करके उसके नगर और सारे संसार पर कब्जा कर लिया। और जब इंद्र को अपने राजपाट जीतने का कोई उपाय समझ नहीं आया तो सभी देवताओं समेत वो लोग गया कहीं। कहाँ? जहाँ सब जाते हैं भगवान की शरण में। हाँ, और भगवान को जोर जोर से जगाने और मनाने में लग गया। तो चलो हम भी जगाते और मनाते हैं। हाँ चलो चलते हैं। ए भगवान, ए भगवान, अरे आ रहे हैं आपके भक्त जन। सेकंड सीन। लाइन देखो, लाइन देखो तुम लोग, और अंदर आओ, और अंदर आओ, अंदर आओ, एक एक कर और आओगे लाइन्स पे। विष्णु कहाँ है? विष्णु आओ, आ जाओ, आ जाओ। पूरा गाना हो चुका है एक्चुअली। अंदर आओ, थोड़ा थोड़ा और अंदर आओ। हाँ यस, हाँ लो, हाँ खड़े हो जाओ, बोलो, जाइए आप। बाकी असुर लोग सुर, हाँ हाँ जयकारा ले ली, तो ले नहीं रहे ना तुम लोग, वो आ गए, खड़े हो गए। जयकारा तीन दिन बाद लोगे क्या? भगवान विष्णु की जय। भगवान विष्णु की जय। प्रभु, बलि के गुंडों ने हमारे घोड़ों की नाले उखाड़ ली, रथ के पहिए तोड़ डाले। हमारा रथ जो पहले मकर राशि से होकर उत्तर की दिशा में मुड़ जाया करता था, अब मकर के दक्षिण हो गया है। प्रभु, बाहुबली के हाथों हम ज्ञानी पिटा रहे हैं, ये दैत्य हम देवताओं को तीनों लोकों में पधारे हैं। प्रभु, ये बदना पदाना पद प्रतिष्ठा सब निस्सार है, मैं संन्यस्त होना चाहता हूँ। प्रभु, मुझे संसार अब अच्छा नहीं लगता, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब तक आपकी उन्नति का समय नहीं आता तब तक दैत्यों से संधि कर लीजिए। समुद्र मंथन। समुद्र मंथन किंतु किस प्रयोजन से? अमृत प्राप्ति के लिए। अमृत? किंतु थोड़ा श्रम करना होगा, क्षीर सागर का मंथन करना होगा। मगर प्रभु, इतने बड़े समुद्र को हम मथेंगे कैसे? इतनी बड़ी मथानी हम कहाँ से लाएंगे? मथानी के लिए आप लोग जाकर महान पर्वत मंदिर से अनुरोध करें। और नेति यानी रस्सी, उसके लिए नागराज वासुकी को मैं मना लूंगा, परंतु अभी आप सबको दैत्यराज बलि को समुद्र मंथन के लिए मनाना होगा। जाइए, आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। बोलो अंतर्यामी भगवान विष्णु की जय। तुम नहीं आते हो ना, दरबार में नहीं आ रहे हो? अच्छा ठीक है, चलो लेते हैं फिर। आप लोग आ जाइए इधर, राजा बलि के दरबार लग रहा है। सर्कल फॉर्म करते चलो, डायलॉग बोलते चलो। हाँ, ये प्रस्ताव तो बड़ा आकर्षक है, चलते रहो। तो मुझे देवताओं क्या छोड़ रत्ती भर भरोसा नहीं करिए। हमसे षड्यंत्र नहीं, उनकी औकात नहीं गई, और फिर आप रहते हुए मुझे किसी के षड्यंत्र का कोई भय नहीं। सर्कल बड़ा करो बाबा राजन, सर्कल बड़ा करो। हाँ बोलते रहो। लेकिन हम कोई फैसला अपने साथियों के साथ करना लेते नहीं। क्यों साथी, हमें क्या करना चाहिए? हमारे काम में हमारे काम आपका राज है सर, आपकी बात तो माननी होगी। रिवर्स, ऐसा कौन सा रिवर्स जो हम तुम्हारे बिना नहीं कर सकते? डायलॉग बोलो, भूलो मत। समुद्र मंथन, हमें आपका प्रस्ताव पसंद आया देवराज, लेकिन हम कोई भी निर्णय अपने साथियों की राय बिना लेते नहीं। स्टॉप साथियों, हमें क्या करना चाहिए? अमृत मंथन। ठीक है, हम करेंगे अमृत मंथन, परंतु हमारी कुछ शर्तें हैं। आपका राज है सर, आपकी बात तो माननी होगी, परंतु बच्चों में जो बंटवारा हो आपस में बैठकर सभी बच्चों में हितैषी विचार सही हो। वो रिवर्स भेदभाव रहित होगा, लेकिन अंतिम निर्णय हमारा होगा। स्वीकार है, हमें भी स्वीकार। नंबर दो, जी गुरुदेव,
start from the beginning. एक मिनट, आवाज वॉल्यूम का मतलब ये नहीं है कि आप क्लैरिटी लॉस करेंगे. क्लैरिटी मेंटेन करिए, जिग जैग वे में घूमिए जिसको जहां जाना जाए, लेकिन अपने डायलॉग्स को फुल क्लैरिटी के साथ बोलने की कोशिश करें. दूसरे के डायलॉग्स को सुन के तब बोले. बोले फास्ट, बोलिए फास्ट. कम ऑन, कम ऑन. Relax. Sit down. तालमेल तालमेल मेल जोल अमृत की चाह देख. तालमेल मेल जोल अमृत की चाह देख. सपना साकार देख. हस्ताक्षर होने लगा. हस्ताक्षर होने लगा. नहीं महाराज, मथानी तो हम पर्वतराज मंदिर की बना रहे हैं. देखिए ये खड़े हैं. तो हमें क्या करना होगा? देख रहे, हमारी नीति बनाएंगे. जी नागराज. इधर ही लेफ्ट में फिर आओ, फिर वहीं से दूसरे पूछवा कर इधर जाओ. वहां विमोचन के पास जाओ. पुलोमन के पास खड़े हो. पुलोमन के पास खड़े हो इधर आकर के. हाँ, यहाँ से पूछो. हाँ हाँ, बोलो जो सवाल है तुम्हारा. डायलॉग इधर इससे बात. अरे बाप रे बाप, ये मंदिरवा तो बड़ा उबड़ खाबड़ है. ये तो हमारी सारी खाल छील देगा. क्या बात कर रहे हैं महाराज. अरे ये मंदिर तो बड़ा सलोना, बहुत नेक पर्वत है. इसे छूकर देखिए, एकदम सीधा सपाट. ए भाई मंदिर, जरा पास जाओ ना. फिर वही बात, मैंने कहा ना, मैं तो जड़ हूँ, अड़ा हूँ, बड़ा हूँ, गड़ा हूँ. जब से जन्मा हूँ यहीं खड़ा हूँ. चलो भाई मंदिर, तैयार हो. हमें कौन सा तैयार होना है, आखिर तुम देखो, रगड़ाई तो तुम्हारी होनी है ना. ये ना सोचो कि तुम बच जाओगे. हल्के में ला लो हमको, छील देंगे तुमको. अरे जाओ, बड़े देखे तुम्हारे जैसे छीनने वाले. ठीक है, ठीक है भाइयों, शुरू करते हैं समुद्र मंथन. चलो रे भैया, भैया रे भैया. चलो रे भैया, भैया रे भैया. मत रे मत, मत रे मत. सागर निकले अमृत हो. अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमने कुछ नहीं किया महाराज, ये मंदिरवा धसा गया. देखिए धसा गया. सच्चिदानंद भगवान विष्णु की लाइन आते ही इनके खड़े होने वाला म्यूजिक शुरू हो जाए. सच्चिदानंद भगवान विष्णु के जय. सच्चिदानंद भगवान विष्णु के जय. ये क्या हो रहा है भाई? लाइन लाइन म्यूजिक. चलो रे भैया, भैया रे भैया. मत रे मत, मत रे मत. सागर निकले अमृत हो. बेवकूफ, झूठे हल्ला करने लगते हैं. है क्या ये? पहले देखने तो दो, आखिर है क्या ये? गरम है, बहुत झांस मार रही है. अबे शहर है. चलो मेरा शंकालुपन कहाँ?
आगे जो अज्ञान गंधेरा वो अभी मेरे भीतर ही है। ये जगत, ये सारे प्राणी सब बाहर दिखाई देते हैं, पर ये सारे देव दैत्य सब मेरे भीतर ही हैं। ये समुद्र भी मेरे भीतर, मंदिर भी, वासुकी भी, और ये हलाहल विश्व भी। मुझे केवल बस अपने भीतर के इस समुद्र से उठाकर अपने कंठ में धारण करना है। भगवान शंकर ने पी हो और हमने ना पी। भगवान शंकर जो भी खाते पीते हैं सब में हमारा भोग लगता है। जहां जहां गुरु वहां वहां चेला। गढ़ों का अधिकार है ये, हम इन्हें रोक नहीं सकते। कहीं बल मरा गया तो कोई प्लानिंग चौपट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। जैसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में विष को धारण किया था, वैसे ही ये सारे सर और नाग अपने दंत में धारण करेंगे, अपने दंत में धारण करेंगे। बोलो भगवान शंकर की जय। भगवान शंकर की जय। शुरू करो मंथन। चलो रे भैया भैया रे भैया मत रे मत शानदार घोड़ा है। कितने ऊंचे ऊंचे कान। ये उच्च श्रवा घोड़ा है। यदि दैत्यपति इसे ना लेना चाहे तो इसे हम लेने को तैयार। जी नहीं। पहले कैसा हो रहा है बताइए कुछ। हम लेंगे। अच्छा कैसे लिखा आपने? कैसे शुरू कैसे? दस दिन में लिखा गया है तो उन्होंने कहा कि आके लिखने खानी कुछ मतलब कर लेते हैं। हमने कहा कि ठीक है भाई। कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं बता दूंगा इसको बाद में। ये कल्प वृक्ष है और कामधेनु की भांति ये भी सारी कामनाएं पूरी करने में समर्थ है। देवराज इसे ले लीजिए और स्वर्ग में लगा लीजिए। जब आपका फिर कभी स्वर्ग पे अधिकार होगा तो काम आएगा आपके। कुछ भी बोल देते हैं आप राजन। अरे देना था तो ऐसे ही दे देते, इतना सब बोलने की क्या जरूरत थी। अब बोल दिया तो बोल दिया, अपना ही छोटा भाई है, सौतेला है तो क्या हुआ। महाराज क्या है, तब से काहे पीछे पड़े? जो विष्णु जी है ना, हमको बहुत ही डाउटफुल कैरेक्टर लग रहे हैं। आप इन पे ज्यादा भरोसा। तुम हमें सिखाओगे कौन क्या है? चल जा, जाके लाइन में लग, मंथन कर। शुरू करो मंथन। चलो रे भैया भैया रे भैया, चलो रे भैया भैया रे भैया, मत रे मत मत रे मत, सागर निकले अमृत हो। अरे अरे, ये 60,000 अप्सराएं हैं और इनमें जो सबसे आगे चल रही है वो रंभा है।
60,000? मगर ये तो 6 भी नहीं दिख रही है। 60,000 ही है। इस मंच पर पूरे आ नहीं सकते, इसलिए आपको कम दिख रही है। असुरराज, क्या आप इन अफसरों को लेना चाहेंगे? दूसरा तोड़ा देखे सर, ये बताइए पोस्टर सही है ये ना? हाँ दोनों मैंने इनका चेंज करवाएंगे दिव्या, इनका सेम सेम। मेरे बाबू बात करना कल मैं थोड़ा उसके जैसे करूँगा। ओके सर, इन लोगों का थोड़ा इन लोगों का प्रोग्राम है ना सर, कल हमारा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसको जब इंद्र को लिया ना लास्ट में जब आ रही हो तो इंद्र यहाँ खड़ा हुआ है, तो इंद्र के बिल्कुल ये गई तुम इंद्र के करीब और इंद्र को ललचवा लिया कि आओ ना, तो ये भगने लगा, ये आने लगा, ये आने लगा, ये आने लगा, ये आने लगा, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया, फिर इसको ले लिया, ठक ठक ठक, इसको इसको लाइट किया कि तुम आओगे क्या, तो इन दोनों को दौड़ा दो, ये दोनों जब दौड़ने लगे तो दोनों अपने अपने रेंज में रहना, ये तुम लोग को यहाँ छोड़ देगी, यानी यहाँ छोड़ो, ये वेट करो, मैं अभी देखती हूँ, यहाँ तक घसीट के ला रही, तो वो फीलिंग आनी चाहिए पूरी कि तुम लास्ट से बचाओ, इंगेज कर रही हो और इंगेज करके छोड़ रही हो, अभी रुक जाओ और बेटा जान के साथ कैमरा है सामने, हेड एक्सप्रेशन मत दो, कि जीत के भी हारा हुआ आदमी भी जो जयकारा लगाए वो कौन, कि हार भी गए बोलो भगवान विष्णु की, मतलब हार भी गए और फिर उसके बाद चले भी आए, तो इतने बड़ा ऑफिस का चॉइस प्रॉपर की है, मेरा मन होता तो मैं भी इन्हीं को चुनता, तो वो जो एक होता है ना बेवकूफ़ी भी है, थोड़ा सा हारे भी हैं लेकिन दुख नहीं है, लेकिन एक बेवकूफ़ आदमी जो हो जाता है ना कि खेल में हार भी गया है लेकिन बोल रहा है ठीक है ठीक है, कुछ बड़ा कॉम्प्लेक्स सा वो है, तो उसको तुम लाओ जरा कि मैं हूँ हारा हूँ लेकिन इनसे हारा तो कोई बात नहीं है, और वो नहीं तुमने हार मानी नहीं है तो तुम्हारे थोड़ा सा उत्तर खुश नहीं हो जितना ये खुश हुआ है, तो तुम्हारा कुछ ये कि डाल दिया विष्णु जी को चुन लिया, तो खुश तुम भी हो कि विष्णु जी को चुना है तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको नहीं चुना कर देखो, तो तुम्हारे पास भी एक अलग फीलिंग होनी चाहिए, वो फीलिंग्स दोनों लोगों की अलग अलग जनरेट होंगी ना, कि इसको नहीं मिली ठीक है भगवान विष्णु में ठीक है, तुम भी सोच रहे हो कि हमको नहीं मिली इसको भी नहीं मिली लेकिन भगवान विष्णु को तो मिली गई है, ये ठीक है, तुम्हारा बिल्कुल और भी सुपरलेटिव डिग्री पे हैप्पीनेस है और वो दिखनी चाहिए, चलो भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु की जय। वैसे चॉइस बराबर की आपने, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी इन्हीं को ही चुपता, ये क्या कह रहे हैं राजा, सही कह रहा हूँ, चलो भाई मंथन शुरू करो, चलो भाई काम पे लौटते हैं, चलो भाई काम पे लौटते हैं, चलो भाई काम पे लौटते हैं, चलो लो उठाओ सब लोग, बहुत जोश के साथ आओ सब लोग,
डेड बन के मत आओ यार। ये तो बारूणी है, चुरा की देवी, मद अभिमान और हर्ष को बढ़ाने वाली। ज्यादा ज्ञान ना छाटिए बृहस्पति देव जी, हमें भी भविष्य देखना आता है। एक कल्प में लेने से मना कर देंगे तो असुर कहलाएंगे, क्योंकि इस वारणी का एक नाम सुरा भी है। चलो रे भैया, हाँ भैया रे भैया, चलो रे भैया, भैया रे भैया, मथरे मत मथरे मत, सागर निकले अमृत हो। कौन आवाज, कौन हो भैया? अरे गड़बे में का लिए हो? वोटका के रम। प्रणाम महाराज, कुंभ लिए लिए आपके हाथ थक गए होंगे, लाइए हम पकड़ लेते हैं। अरे ये तो धनवंतरी है। कौन धनवंतरी? देवताओं का वैद्य। मगर ये गड़बे में का लिए? काढ़ा होगा कोई, देवताओं को दे देते हैं। अरे काढ़ा नहीं, अमृत है। एक साथ दो आइटम निकला है, पकड़ो उसको। देखो देखो, अरे पकड़ो, छीन लो, भागो भागो, अरे पकड़ो। चलिए सिल लीजिए आगे। अरे गुरुदेव, ये तो चीटिंग है गुरुदेव, ये गरुड़वा तो शीर सागर छोड़कर पृथ्वी लोक की तरफ उड़ा जा रहा है। अरे पकड़ो पकड़ो। उसके लिए एक अलग सा म्यूजिक आ रहा है, पूरा अलग सा कोई डीजे म्यूजिक। और ये गई तो और ये आई बस कहाँ मौला होती है, आई कहाँ डीजे, इधर ही आई, ये आई, ये आई, ये आ गए सब लोग, ये गए पीछे जा रहे सब, आ गई पीछे जा रहे, पीछे जा रहे। खुशबू खुशबू दे रहा, मन मस्त हो जा रहे था। यहाँ पे कोई गाना है? आ द द न आ द, हाँ सबको इसी से मैं पिलाते हुए चले, हाँ अलाप दे दीजिएगा और उस पर पिलाते हुए चले जा रही है। और पिलाते 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 ये गए ये गए ये गए और इधर इन लोगों को असुरों को नहीं मिला, इनको पिलाना गया, सॉरी देवों को पिलाया और असुरों को ड्रॉप कर दिया। इधर से बेटा पिलाते हुए जाना, ये गए और ये गए और एक चालाकी है, एक पूरी चालाकी, हाँ हाँ कुटिलता के साथ, क्योंकि तुम इनको चीट कर रहे हो, ठीक है ना? तो दैट्स चलो पियो, जल्दी जल्दी पियो।
जब यहाँ से ले रहे हो ना तो उस वक्त तुमको ये दिखना चाहिए कि मैंने इनको मदमस्त कर दिया है इस प्रोजेक्ट पे कि ये लोग लिख रहे हैं, और वहाँ से तुमने धीरे से ये उठाना शुरू किया और इन लोगों को कहा कि तैयार हो जाओ पीने के लिए, है ना। तो ये पूरा एक एक्शन आना चाहिए कि तुम वाकई में ऑडियंस को दिखे कि तुमने अपने काम में तुम इधर सक्सेसफुल हुए उनको बहलाने में। यू मेक देम बिजी इन दिस एंड देन यू स्टार्टेड मूविंग दिस साइड और इनको यस इधर तैयार हो जाओ, हाँ कि बस हाँ ये भाव आना चाहिए। चलो चक्र से लास्ट पिलाया और फिर सिर काटा, लास्ट में तुमको पहचान में आ जाएगा ये राहु बैठा है यहाँ बीच में, ये इधर ये बीच में आएगा, ये आएगा बीच में और तुम देखोगे कि क्या हुआ और खड़ाक से इसको वही जो चक्र मारा ना अपना, और तो हाँ तुमने अपना चक्र रूप धारण किया और खड़ाक से मार दिया उसको, तो वो आएगा जैसे ही तुमको लगेगा कि ये राहु ये इसको पहचान लो इसके चेहरा ना, तुमको साइड में बैठोगे सबसे एंड में टूवर्ड्स दी एंड तुमको पहचानेंगे सूर्य और चंद्र, वो लोग कहेंगे तो राहु है, और वो जैसे ही वो कहेंगे राहु है खड़ाक से मार देंगे। अरे तो असुर राहु है, अरे ये तो विष्णु है जो हम लोग को मोहिनी बनकर छल रहा है, छीन लो अमृत। बार बार करने से सब जो है सब चीज़ पक्की हो जाती है ना, तो जो है आप लोग बार बार करेंगे बस लाइनें जो है आप लोगों को घर पे जाके याद करनी चाहिए बस इतनी इतना है, और बाकी यहाँ पे आके सबके साथ क्यों बराबर रहे यही सब ध्यान रखने की बातें हैं, बाकी तो सब बार बार करेंगे तो हो जाएगा, थोड़ा सा बस रिहर्सल चलनी है फिर अभी और चलनी है, और अभी इसमें काफ़ी लोग नहीं हैं उन्होंने उनकी प्रॉक्सी की तो इसलिए वो भी एक दिक्कत थी कि वो क्यूज नहीं पकड़ पा रहे हैं तो पीछे से निखिल दे रहे हैं लाइंस, यही थी। बढ़िया है सबको सब अच्छा हो यही शुभकामना है ना, आप लोगों को बधाई है और क्या, थैंक यू। कहाँ कहाँ याद रहेगा कहाँ गाड़ी खड़ी है, ये ब्रिज से याद रहेगी, अरे कहाँ से ब्रिज से, कोई ब्रिज नहीं याद रहेगा सब, आप पता नहीं भाई ऐसे कच्चे ब्रिज दिखाई दे जाए आपको, क्योंकि वो कह रहे हैं वापस आओ, अब वापस कैसे जाएं, जहाँ खड़ी है यहीं खड़ी रहेगी, कोई नहीं बोलेगा यार, तो चीज कर लेंगे तो फोन करना, अभी हमको जाना है वापस, या तो तुम वापस लेके चलो वापस जाएंगे, उधर नहीं जाना इधर जाना है हमको,
अरे यार तुम्हारे हिसाब से हम अपना काम करेंगे क्या? हमको उधर जाना है, कहीं गाड़ी पार करता हूँ। कहाँ पार्क करोगे? यहाँ जगह मिलेगी, पार्क किए तो काम बनेगा नहीं। चलिए महाराज, कितनी देर लगेगी आपको? तो कहाँ पार्क करोगे? कहाँ वाले क्या होगे? अरे मीडिया सेंटर तुमको पता नहीं, हम लोग नहीं पता, तुमको क्या पता होगा? हम लोग पैदल चलेंगे। इसका नंबर तो ले लो ड्राइवर का। ड्राइवर का नंबर उनके पास है, आप आइए साथ। कमल भाई वहाँ परेशान हो रहे हैं, तो फोन हमारे खोने पर भी हुआ है, खोल नहीं रहा। हाँ तो हमारा जो प्ले है ना वो अमृत मंथन के ऊपर है। तो अमृत मंथन के दौरान जब उसमें शिव जी के गले जब वो विष धारण करते हैं तो उनके ऊपर इफेक्ट दिया है कि गला नीला हो जाता है, तो उस तरीके की लाइट्स वगैरह के इफेक्ट्स हैं। तो ये हो जाएंगे क्या इतना क्लोज? उसके लिए तो प्रॉपर लाइट्स की रिक्वायरमेंट जो भी आप डालोगे टेक राइडर में उस हिसाब से देखना पड़ेगा। ओके, और जब वो लाइट इंजीनियर है तो वो अपने हिसाब से फोकसिंग कर लेंगे, अगर फोकसिंग कर लेंगे। लेकिन पॉसिबल हो जाएगा? हाँ, पी वी एवोलाइट है हमारे पास। अच्छा अच्छा, तो आप उसमें वो अपनी फाइल बनाएंगे जैसे भी उन्हें बनानी है। और कुछ जैसे समुद्र मंथन चल रहा है तो वेव्स क्रिएट करनी है वो हम पीछे एलईडी पे क्रिएट कर देंगे। एलईडी पे क्रिएट कर देंगे वो आपका कुछ ऐसा वो आ जाए कि मतलब आप कुछ वीडियो छोटी थीम लोगो कुछ भी जो आपका उसका वो दे देगा तो वो हम एलईडी पे चल रहा है। तो निहिल जी आप अपना नंबर हमें देंगे क्या, शेयर करेंगे? हाँ अच्छा अच्छा, 9161862861 अगेन। ओके ठीक है, 862861 ओके ठीक है। ओके थैंक यू नील, थैंक यू। कलश रखा गरुड़ ने, अमृत का कलश रखा, उसके बाद फिर वो इन देवता और जो है पूरा का पूरा एक सर्कल ऐसे ऐसे लेना शुरू करेंगे, नाचने लगेंगे, माने घूम रहे हैं वो इधर से खोज रहे हैं फिर इधर खोज रहे हैं, तो वहाँ पे धीरे धीरे स्टार्ट होगा कि यही रूल रहेगा? नहीं, थोड़ा सा एक स्मूथ जो स्टार्टिंग होता है वैसे कर दीजिए, ऐसे झटका जैसा लग रहा है। हाँ हाँ, स्केल बढ़ा थोड़ा। हाँ हाँ, तो 126 में आ जाएगा नहीं ये? हाँ ठीक है, लिख दिया मैंने। हवा वाला तैयार कर लीजिए। सब लोग एक साइड में हो गए। हाय चूल्हा कहाँ है? बलि का है, बलि का है। पास अमृत है पर बाहुबल तो तुम्हारे पास है। फिर से बोलो लाइन जरा। फिर से बोलो। हाँ फिर से बोलो, गलत बोलती नहीं हो, सही बोलो फिर से। अजय नहीं है, अजय अजय नहीं है, अजय अजय नहीं है। ओके ओके ओके, उनकी जीत के लिए, उनकी जीत के लिए इतने आश्वस्त मत रहो महाबली, वो अमर हुए हैं, अजय नहीं बोलते हैं, अजय नहीं, अजय। हाँ ओके,
उनकी जीत के लिए इतने आश्वस्त मत रहो महाबली, वो अमर हुए हैं, अजय नहीं। उनके पास अमृत है पर बाहुबल तो तुम्हारे। वॉल्यूम उठाओ, खाना नहीं खाया तुमने तो वो उठाओ वॉल्यूम। प्रयाग से चलकर प्रतापगढ़ सुल्तानपुर फैजाबाद को जाने वाली 54373 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। यात्री की प्रयाग में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पुल का प्रयोग करें, लाइन को क्रॉस ना करें। ये जो है श्रद्धालु जनता है वो तमाम कष्ट सह करके जो है और अपना और कुछ कहीं कोई ऐसा नहीं है किसी सुख की आकांक्षा से आ रहे हैं, तमाम कष्ट लेकर के आते हैं, गाड़ी में कष्ट, फिर यहाँ से जो है पैदल रिक्शे से कैसे भी जो है पहुँचेंगे वहाँ पर गंगा तट पर, फिर वहाँ पर जो है किसी तरह नहाएंगे, फिर नहा करके कहीं कुछ भीड़ भाड़ में से कुछ खाएंगे, है ना, अन्य क्षेत्र में हो सकता है अगर यहाँ भंडारा चल रहा है, और फिर वहाँ से पैदल चलते हुए फिर वापस चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि लोग किसी जो है प्लेजर ट्रिप पर आए हैं, ये सब जो है ये यात्रा का ही जो है पूरा एक एक्सपीरियंस लेने आए हैं कि वो जो है एक एक काम है कि एक डुबकी मारनी है और डुबकी मार करके फिर चले जाना, तो वो बस वो नहा लेने का ही वो है और उसके एक छोटा सा जो एक्ट है उसके लिए इतना सारा कष्ट ये लोग सहते हैं। क्षेत्र में जाने के लिए आप दोनों जगह से जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। सेक्टर 16 में जाना है। 16 तो आपका पड़ेगा झूसी साइड में, है ना, तो आप यहीं से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं उतर जाइए, आपको जो है बाहर निकल के टेम्पो वगैरह मिल जाएंगे, आपको सेक्टर 16 तक का रास्ता बता देंगे, ठीक रहेगा। हाँ हाँ, और कहीं दिक्कत हो पुलिस वाले से पूछ लीजिए, वो सब मदद करेंगे। भाई लल्ला ढेला क्यों पड़ रहा है यार, जवान हो गए पीछे कितने कोई ना।
ये क्या कर रहा है? ये कैसी सांसें ले रहा है? मारेगा काम? देखो तो, तुम भूमि को लग क्या रहा है? मंदरवा का कोई कुछ कहता ही नहीं है, पर वो हमारी आतंक का हलवा बना दी। चलो भाई, चलो रे करने वाली कामधेनु है। इसी गाय की शक्ति के बल पर आगे चलकर ऋषि वशिष्ठ और ऋषि जमदाग्नि बड़ी बड़ी सेनाओं को परास्त कर देंगे। तुम मुस्कुराहट के लिए नहीं यहाँ पर बुलाए गए हो, तुम मुस्कुरा रहे हो सीन से निकलते हुए। थोड़ा एक 24 घंटे और सीरियस रहो, फिर 48 घंटे रात में कल फ्री हो जाओगे, तो जो तुमको लगे वो करना तुम, ठीक है?
वो क्या है? क्या क्या? अरे आप तो उधर देख ही नहीं रहे। कहाँ देख रहा है? समझ रहे हो ना? आप टोकोगे ना? हाँ, कहाँ देख रहा है? कहाँ? हाँ, कहाँ देख रहा है? कहाँ? 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 समझे नहीं? हाँ, नहीं समझे। हाँ, ये है पूरा। समझ रहे हो ना? पूरा ये खत्म। वो फिर बोलो आगे की लाइन, बोलो आगे की, बोलो ये क्या है? पानी है क्या पैर? हाँ, ये क्या है? ये क्या है? ये पानी है क्या? मैं पैर धो लूँ? नहीं 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 नहीं। क्यों? पानी नहीं है। क्या ये? बोलो। ये हमारा अमृत है। ए झूठे, तेरा कहाँ से हुआ? आने वाले वक्त में आपकी बहुत रगड़ाई होने वाली। देवता और असुर मिलकर मंथन करेंगे, समुद्र मंथन। उसमें आपका इस्तेमाल किया जाएगा और आप उसमें मंदिर का किरदार निभाएंगे। अरे इसमें मेरा काम चल रहा है ना। उठा कौन ले जाएगा? आप वायु, वायु उठा के ले जाएंगे। लड़की कैसे बैठी? लगाओ फिर। दो बजा दिए हैं, दो बज गए। अच्छा ये, हाँ सर से बात कर लो ना। हेलो, हाँ कहाँ हो? अरे छोड़ दो बैनर, बैनर छोड़ो। हाँ बैनर अगर इतना जिसके यहाँ पड़े हैं वहाँ पड़े हैं तो फिर पड़े रहने दो। अभी ब्रोशर हाथ में आ गए तुम्हारे? कितनी देर है अभी? कहाँ हो तुम? कितनी दूर पे हो यहाँ से? 200-300 मीटर किस दिशा में हो? वहाँ आके खड़े हो जाते हैं। बताओ किधर आना है? अंदर आना है TN वाजपेयी रोड से? अंदर किधर आना है? लेफ्ट राइट?
अरे तो उसकी दुकान बताओ ना, वहाँ हम लोग आ जाते हैं। अरे ओफो, अंदर नहीं आ पाएंगे, लेकिन टीएन वाजपेयी से आगे बढ़ के आएंगे तो तुम बाहर आओगे, हमारा टाइम बचेगा। तो 5 मिनट में तुम हमको यहाँ से लेके चलो, वहाँ गाड़ी खड़ी कर लेंगे हम लोग। हाँ चलो आओ तुम इधर, बाय। नहीं होगा तो वहाँ डिसीजन हम ले पाएंगे ना कि रुकना है कि बैठना। 5 मिनट कह करके यहाँ वेट करा देंगे। सर वो पवन जी कह रहे हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो दाढ़ी उठ जाएगी रास्ते में। रास्ते में दाढ़ी उठ जाएगी, कृष्णा से बनवा लेना फिर। गाड़ी आपकी है? कई जोड़ा पान लगवाया आपने? दोहरा है, शाम तक चलेगा। कितना खा लेते दिन भर में? इधर अगर निकलता हो तो इसके बाद खा लेते। तो इधर निकलते तभी खाते, वरना नहीं खाते हैं। और फिर ये फेंकेंगे कहाँ? जेब में तो अभी रख लेंगे, क्योंकि सामने कैमरा लगा हुआ है, इसलिए आप कह रहे हैं कैमरा जेब में रख लेंगे। अन्यथा तो ये देखिए आपकी के साथी लोग फेंकते हैं, और क्या है। कहाँ खड़े हुए हो? कहाँ है वो सर? उसने उसका नंबर लिया हूँ सर। आइए। नहीं नहीं तो बेकार में सब इधर उधर हो जाता है कैंसर इससे। और बिजी आ रहा है उसका कॉल। आ गया क्या? आया फोन उसका? एक्टिंग करके गया जो निखिल, उसका फोन आया था कि आ गया वहाँ पे? वही जो ये कृष्णा दौड़ के गया वहाँ। हाँ सर फोन आया उसका पार्टी के। हाँ चलो ठीक है, बाय। कहाँ एढ़ी पुलिया में ऑर्डर दिए हो तुम कहीं? चलो 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 चलो, चलो बांधो बांधो चल के। चलो आइए आइए। हाँ बढ़ो जो स्टार्ट करो भैया गाड़ी। चलो एक्चुअल में है ना, मैकबुक पे काम करने के आदत है ना, तो ये चीज़ें हो जाती है। तूने के फॉन्ट में बहुत गिर गई। सुनो ला एक खत्म हो गए, तो खत्म हो गए। ये
पहली टीम में दो लोग खा चुके हैं, बाकी लोगों को दीजिए जितना रखोगे। हाँ हाँ, देखो एक इनको दिए हो। हाँ अभी एक, अभी तीन और रख। तुम नहीं खाओगे? खाओगे ना इनको। ए बेटा हाँ इधर देखिए, इधर एक किस्ती और लगा दे भैया। हाँ एक किस्ती और लगा दे, यहाँ होगा आदमी देख के रखो, एक्स्ट्रा रख दे हो, कोई सामने कोई खाई है ना, या तो डबल कर दे हो, यहाँ होगा आपसे ज़्यादा हो जाए लेकिन ज़्यादा कम हो जाए दिक्कत नहीं। हाँ उधर उधर रख दो, इधर दे दो। हाँ इधर इधर दे दो भाई, ये देखो यहाँ पाँच लोग बैठे, पाँच लोग हैं, दादाजी का मैं लिखवा है। कमल जी किधर गए? कमल जी किधर गए? अच्छा कमल जी बाहर निकल गए। हारमोनियम चेक कराइयो। अच्छा तो कुछ नहीं लग रहा मुझे, पर खाली है कि जो कुछ भी लगना हो, अगर तुमको लग रहा हो तो लगे। Thank you.
उसमें क्यों नहीं कर लेते हो? अरे ये बड़े मेकअप रूम है, देखिए ना सामने, ये तो खाली चेंजिंग रूम था। अच्छा वो उसने कहा यही है खाली? अरे नहीं सर, हम तो खुलवा के आए थे, इसलिए तो बोले आप लोगों से। आइए दिखाएं। ठीक है सर। गरम गरम लग रहा है। हाँ फुल स्पीड में। नहीं थिएटर में बंदे तुम तो कैसे कुछ नहीं, दाढ़ी वाड़ी वाला पहली बार हो रहा है ये। मैं छोड़ नाटक खत्म होने के उपरांत सब लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टीज अपने अपने बैग में दिखा के वक्त में, ताकि कल हम लोग दिक्कत ना हो वहाँ पर आधा घंटा बाकी है बस। अब अभिषेक जी पाँच नागे ना, समझ कोई आधा घंटा है सिर्फ, इसको टाइट बांधना है। इसको जटप बांध दे, जटप था उनका पे यार रुद्रासनी का, एक ही रुद्रासनी का रुद्रास खत्म हो गया काहे के लिए। अगर अच्छा लग रहा है लगाए रहो, पहली बार इंडिया में शंकर जी सेक्सी शंकर आए हैं। और
गॉड शंकर पहले मेरा हो जाने देना फिर तुम अपना क्योंकि मुझे उसमें भी जाना है कचरा उठाने के लिए उसके तुरंत बाद मेरा है भूल गए हो क्या मेरा भी दीदी का होगा अभी हाँ जी हाँ मैं हो रही हूँ बस मेरा होगा इसके बाद नसीम भाई Only 5 minutes. I'm with Dusha. Dusha, you will lift the mic and go, beta.
किया मार और उसके बाद अमृत। चलो भाइयों शुरू करो मंथन। मकरे मत सागर निकले अमृत हो। और ये गड़वे में काली हो? मोटका के राम। प्रणाम महाराज, कुंभ लिए लिए आपके यहाँ थक गए होंगे, लाइए हम पकड़ लेते हैं, इधर आइए। अरे ये तो धन्वंतरी है। कौन धन्वंतरी? देवताओं का भय। कड़वे में तो कोई देवताओं को ही दे देते। अबे काढ़ा नहीं, अमृत है। पकड़ो दान करते जाइए। Thank you.
ये है देखिए ऑफियुकस, उसके कमर में एक सर्प बंधा हुआ है, इसका पूंछ एक तरफ है और सर एक तरफ है ना, और सर की तरफ जो है वो असुर पक्ष था और पूंछ की तरफ जो है वो देवता पक्ष था। तो ये जो है देवता पक्ष है, ये जो इधर ये हंस है, ये जो गरुड़ है, ये देखिए दिख रहा है क्विला, ये हंस है जो सिग्नस है, ये जो उच्च श्रवा घोड़ा यहाँ पे हमको दिखाई पड़ता है, फिर जो है ये एक्वेरियस में हमको एक कुंभ दिखाई पड़ता है ना, तो उच्च श्रवा घोड़ा का स्थान ये पेगासस है, उसके एक प्रतीक के रूप में ठीक उसी स्थान पर है वो प्रतीक के रूप में ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत सारी कहानियाँ वहाँ पर ज्यूस जो है वो स्थापित कर देता है उनको, है ना, उन कहानियों को आकाश में। तो ये ग्रीक माइथोलॉजी में गैनीमेड है जो जिस पर ज्यूस जो है वो आशिक हो गया था और उसको अपना कप बेरर बना लिया था, तो उसके बारे में है कि वो जो है वो अमृत चुरा ले गया था। फिर ज्यूस जो है वो ईगल का गरुड़ का रूप लेकर के आया था उसको पीछा करने, अमृत का सुमेरु का है। सुमेरु भी जो है वो कल्पना जो चीनियों ने भी की है और भारत के और पुराने जो विद्वान लोग हैं वो कल्पना करते रहे हैं, वो जो हमारा सेंट्रल एशिया का इलाका है जो आकाश में ये गरुड़ और हंस, यही जो है सुमेरु पर्वत। ये जो है एक और मैं आपको सवेरे बता रहा था, ये ड्रैको पड़ा हुआ है, ये सब ध्रुव तारे के चारों को उसको घेर करके, है ना। स्कॉर्पियन का जो मेन तारा है अनुराधा नक्षत्र का, इसका नाम है एंटेरस। एंटेरस जो है वो मानते हैं कि मनुष्य के शरीर में मूलाधार का जो है वो तारा है, उसके ऊपर जो है ये भी देखिए मूलाधार का ही मंथन एक तरीके से हो रहा है। इसका जो नाक जो है वो इसके पेट से कमर से के नीचे से लिपटा हुआ है, लगभग मूलाधार से लिपटा हुआ है। तो ये जो है जो शरीर के भीतर जो समुद्र मंथन होता है वो उसका आधार है मूलाधार, वहाँ पर जो है कच्छप अवतार में विष्णु रहते हैं। एक हिरिडिनस नाम की एक बड़ी लंबी नदी है जिसको मैं सोचता हूँ कि शायद वो जो मृत्यु लोक की नदी है, उसमें जो है उस वो है वो वहाँ पर, क्योंकि वो यम लोक के आसपास है। बहुत सारे आकाश में सब तत्व हैं, हम तो ऐसे अंधेरे में तीर मारते हैं।
ऐतराज अली की जय। भगवान Yeah.